हे हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और मैं आप सबके लिए फिर से एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मेरे साथ तुषार ठाकुर है एंड इन्होंने रिसेंटली सीएमए क्वालिफाइड की है तुषार ने, एंड ही आल्सो गॉट ऑल इंडिया रैंक 4। तो एक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है अपने लाइफ में। प्लस वेदांता में कैंपस प्लेसमेंट हुआ है तुषार का। सो ये अगेन सोने पे सुहागा है कि आप ऑल इंडिया रैंक भी आपने लेके आए, वो भी टॉप टॉप 10 की एक अलग सी वैल्यू होती है। आप लाइक सिंगल डिजिट में आपने रैंक लेके आया, प्लस आपको कैंपस में वेदांता में सिलेक्शन मिला है। सो तुषार की स्टोरी सुनते हैं एंड आई होप कि ये स्टोरी आपको मोटिवेशन दे एंड आपको एक कैरियर में गाइडेंस एंड सपोर्ट करे। सो हाय तुषार, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी बेसिकली आप कहाँ पे हो? हैदराबाद? हैदराबाद है। ओके, ग्रेट। सो तो सर, आप थोड़ी सी अपनी इनिशियल स्टेज पे आते हैं, आपको लेके चलते हैं। आपने लाइक सीएमए कोर्स कैसे आपने ज्वाइन किया, लाइक आफ्टर 12th ज्वाइन किया था आपने? बिल्कुल सर, आफ्टर 12th ही ज्वाइन किया था, बट पहला मेरा, मैंने सीएमए करने के बारे में पहले नहीं सोचा था। पहले मेरा फर्स्ट okay. मेरा टारगेट सीए था। ओके मैंने 12th में कॉमर्स लिया था सीए के लिए। ओके मुझे सीए करना था, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ डिटेल्स में। थोड़ा सा माइक पास मिल जाओ। तो हुआ यूँ कि मैं एक्चुअली एक दिन ट्वेल्थ क्लास में है या 11th कंप्लीट हो गया था, 12th स्टार्ट हो गया था। तो एक्चुअली एक सीएमए इंस्टीट्यूट से कोई आया था सर, एक सर आए थे हमारे क्लास में। उन्होंने सीएमए के बारे में पूरा डीप ब्रीफ बताया, डिटेल्ड में बताया कि ये ऐसा ऐसा कोर्स है। तो ऐसा सर ने बताया, तो हमारा तब कॉमर्स क्लास चल रहा था, राइट? तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया जो भी सर ने बताया, सीरियसली। तो कॉमर्स मैम वहीं पे बैठी थी, तो उन्होंने सब समझा। और जब सर चले गए तो कॉमर्स मैम ने बताया कि जो जो सीए कर रहे हैं ऑफ कोर्स ये इजीली क्लियर हो जाएगा सीए वालों के लिए। और तब मतलब मैंने एक अपनी 12th, मतलब मैं एक्चुअली टॉपर था। एक्चुअली मैं पूरे स्कूलिंग में, कॉलेज में, सब में, सब जगह मैं टॉपर था। ठीक है, और मेरी छाप भी थी कि हाँ ये टॉपर है, ऑफकोर्स ये करेगा। तो मैडम ने मुझे पहले रेकमेंड किया, तो सीए कर रहा है ना, सीएमए भी कर ले, क्योंकि तुझे कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा इजी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला चल ठीक है, कर लेते हैं, क्या बड़ी बात। तो ऐसा हुआ, तो फिर कोरोना स्टार्ट हो गया। मेरा एक्चुअली 2020 में क्लियर हो गया था 12th। तो मैंने उसके बाद सोचा था कि प्लान करेंगे पहले सीए फाउंडेशन, और इसके बाद इंटरमीडिएट के साथ साथ सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि तब सीएमए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो ऐसा हुआ। तो फिर कोरोना आ गया, फिर क्लासेस ये सब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने फिर सोचा चल पहले सीएमए कंप्लीट कर लेते, उसके बाद सीए करते। अच्छा, तो ऐसे ही मैंने सीएमए से पहले स्टार्ट किया। तो आपने सीए स्टार्ट किया था या फिर आपने लाइक सीए को फाउंडेशन के बाद, सीए फाउंडेशन के बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया था? मैंने ड्रॉप नहीं किया था, मैंने एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने पहले सोचा कि पहले सीएमए क्लियर कर लूँ, इसके बाद जाऊंगा उसे। अच्छा, मतलब आपने लाइक सोचा दोनों का था, लेकिन आप पहले आप सीएमए के साथ गए कि आप इसको पहले कंप्लीट कर लो एंड देन फिर आप सीए के लिए आप सोचोगे। सो जब आपकी फाउंडेशन क्लियर हुई, देन आपने इंटरमीडिएट आप बोथ ग्रुप के लिए गए। तो लाइक आप जैसे आप बता रहे हो कि आप स्टार्टिंग से ही आप क्लास में आप टॉपर्स रह चुके हो, तो आपको सीएमए कोर्स में इंटरमीडिएट लेवल पे कोई चैलेंजेज आया था बोथ ग्रुप देने में, या फिर आप इजीली आपने बोथ ग्रुप क्रैक किया? नहीं सर, बहुत मतलब मुझे एक्चुअली लग रहा था कि इतनी पढ़ाई करनी पड़ती, सीरियसली मैंने इतनी तो अभी तक नहीं की है। मतलब बहुत पढ़ना पड़ा था सीएमए इंटरमीडिएट। मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना प्रेशर लेना पड़ेगा ये हो। मैंने एक्चुअली मैंने सोचा था कि इजीली क्लियर हो जाएगा 10th 12th जैसे हुआ, तो बट बहुत प्रेशर लेना पड़ा बहुत, इसलिए मैंने सीएमए इंटरमीडिएट मैंने बहुत विनती की भगवान से, तब जाके क्लियर हुआ दोनों ग्रुप। ओके, फाइनेंशियल्स मैनेजमेंट में तो सब्जेक्ट में बहुत डर लग रहा था सीरियसली। एग्जाम के दिन भी मैं भगवान से प्रार्थना करता कि उसमें क्लियर करवा देना यार, क्योंकि बाकी में मेरा कॉन्फिडेंस था, उसमें डर लग रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि एग्जाम क्लियर हो गया ना, तो बोला सोचा मैंने कि सीएमए फाइनल का दोनों ग्रुप साथ में नहीं दूंगा यार, इतना प्रेशर में नहीं ले सकता। तो सिंगल सिंगल दूंगा। तो जब मैंने सीएमए फाइनल का प्रिपरेशन किया, तो जहाँ पे मैंने सीएमए इंटरमीडिएट कोचिंग लिया था, मैंने वहाँ पे सर को कॉल किया। अच्छा, कि सर मैं सीएमए फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आपने पूरी प्रिपरेशन हैदराबाद से किया था, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मेरा पूरा स्कूलिंग कॉलेज सब हैदराबाद से हुआ है। ओके,
तो मैंने कॉल किया, सर मैं CMA फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे क्लासेस रिकमेंड कीजिए। तो उन्होंने बताया कि दोनों ग्रुप देना चाहते हो या ओनली वन ग्रुप। मैंने दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो मैंने बोला कि सर मैं दिसंबर 2022 में एक ग्रुप दूंगा और दूसरा जून 2023 में दूंगा। तो उन्होंने बोला अच्छा कि अगर तू तो कैंपस प्लेसमेंट में जाना चाहता है तो दोनों ग्रुप साथ में क्रैक कर, अच्छा तब तब तेरा चांसेस रहेगा, नहीं तो अगर तू तो प्रैक्टिस करना चाहता है देन नो प्रॉब्लम, तो कैसे भी जा सकता है। तब मैंने थोड़ा सोचा, तब मैंने दोनों ग्रुप देने का सोचा, तब मैंने थोड़ा टाइम लिया। मैंने एक्चुअली मेरे प्रिपरेशन दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट की थी, क्योंकि अच्छा, तो आपने फाइनल के मुझे लिए कितना टाइम टाइम लिया? मोस्टली 6 months लिया था सर मैंने, आप जैन से जून तक। अच्छा, मतलब 6 मंथ में आपने बोथ थ्रू फाइनल अटेम्प्ट कर लिया। हाँ ओके अच्छा, आपने इंटरमीडिएट में भी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ली थी या फिर आपने सेल्फ भी किया था? नहीं, इंटरमीडिएट में मैंने सबकी क्लासेस ली थी, प्रॉपर ओके क्लासेस ली थी मैंने। और फाइनल में? फाइनल में किसी एक के भी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं ली मैंने। अच्छा, विदाउट एनी क्लासेज आपने फाइनल बोथ ग्रुप विथ ऑल इंडिया रैंक आपने कंप्लीट किया? हाँ बिल्कुल सर, मैं ऐसे विदाउट क्लासेस नहीं बोलूंगा, मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी, हाँ, ऑफ लाइक कोर्स प्रॉपर यूट्यूब की किसी हेल्प ली फैकल्टी थी। से आपने क्लासेस नहीं ली, आपने यूट्यूब पे जो भी बिल्कुल नहीं, मटेरियल्स अवेलेबल थे उसको देखा, अपने स्टडी मैट, अच्छा क्या क्या स्टडी मैट के अलावा आपने और क्या क्या चीज़ों को आपने फॉलो किया? हाँ ये मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और सबको भी बताना चाहता हूँ जो भी देखेंगे। या स्टडी मैट मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूट का मैट फॉलो किया था सर, मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत मुझे रेकमेंड किए कि ये देख ले ये देख ले, भानु और बुराना एंड सम अदर। हाँ बट वो मैंने देखे थे कि कैसा दे रहा है, वो लोग क्यों इतना रेकमेंड कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं उसका देखने के लिए, ऐसा क्या खास है। सी मेरा क्या था टारगेट, मुझे क्लियर करना है, सी ये मुझे पहाड़ है, पहाड़ चढ़ना है। अब मैं राइट, ऐसे चढ़ूँ वैसे चढ़ूँ कैसे भी चढ़ूँ, डजेंट मैटर डजेंट राइट। मैटर। अब मेरा ये फोकस था कि कहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ से। ऑफ कोर्स ये बुक दिए हैं मुझे इंस्टीट्यूट वाले, पेपर सेट करेंगे वही, ऑफ कोर्स इसमें से ही पूछेंगे, अब उस दूसरे किसी और बुक में से पूछेंगे नहीं। अब पूछेंगे अगर मैं नहीं दे पाया तो उसमें मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, मैं अपने मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, मुझे कोई दुखी नहीं होगी। इसलिए ओके मैंने यही टारगेट किया था कि मैं इंस्टीट्यूट का मैट टोटल कवर करूँ, वहां पे कोई छोड़ने का कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं थी, अच्छा, तो वो मैंने पूरा कवर किया था। आपने सजेस्टेड आंसर और MTPG ये सब भी आपने सॉल्व किया था? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अच्छा, सिर्फ आपने मैट के क्वेश्चन ही आपने सिर्फ सॉल्व किया? बिल्कुल वही सॉल्व किया था, वो भी मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया था, मैंने सिर्फ मेरा फोकस था कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। मैं कभी भी अगर रिवाइज करने बैठता था ना, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था, मैं अपने कॉन्सेप्ट सॉल्व करता था कि मेरा कॉन्सेप्ट कितना फास्ट है, कितना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने कॉन्सेप्ट सो आप, पे। अच्छा आपके प्रैक्टिस करने की स्ट्रेटेजी क्या रहती थी, लाइक किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्वेश्चंस को को? मैं पहले तो मैं कौन मैंने कभी मतलब किसी फॉर एग्जांपल आप मेरा GST या SFM ले लेते हैं, और जब मुझे GST के कोई क्वेश्चन बनाना रहता है तो पहले मैं कौन, अगर मुझे सपोज इस रिलेटेड क्वेश्चन है मतलब किसी सपोज टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई हो हाँ गया टाइम कुछ? या वैल्यू ऑफ हाँ, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट याद करता था, पूरे सेक्शन याद करता था, देन मैं क्वेश्चन पे जंप करता था। ओके डायरेक्टली जंप करूंगा तो बीच में अटकूंगा, तो दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहती थी। और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा कम ध्यान दिया था सर, पता नहीं मुझे भी, अच्छा बट मेरा टारगेट वही था कि मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करूँ। और मेरा GST पे इंटरमीडिएट से ही मेरा बहुत कॉन्फिडेंस था, तो मैंने GST पे थोड़ा कम टाइम दिया था। ओके मुझे एग्जामिशन भी आया था इसलिए। सो लाइक आपने फिर पेपर में जैसे होता है ना कि आप क्वेश्चंस के आप आंसर्स आप लिखते हो, तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आया था कि लाइक आपने प्रैक्टिस कम किया, आपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली कर पा रहे थे या कोई हाँ चैलेंज सर आ रहा था? मतलब चैलेंज तो थोड़े मोरे आ रहे थे, थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। CFR में बहुत आया था सर, CFR का पेपर बहुत टफ था कसम से, जैसे मैंने बोला ना इंटरमीडिएट के FM के लिए प्रार्थना कर रहा था, इसलिए CFR का भी मुझे प्रार्थना कर रहा मतलब करना पड़ा था। मेरा सब पेपर में कॉन्फिडेंस था CFR छोड़ के, CFR मुझे एग्जाम के दिन तक मुझे बहुत टेंशन दे रहा था कि कैसे होगा वो क्लियर, बट ऐसा नहीं था कि मैं, अब पेपर टफ था तो मैंने छोड़ दिया, मैंने जितना आता था मुझे, मैंने एक्चुअली सब पे हाथ मारा, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा छोड़ दिया, सब पे हाथ मारा था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझे आते थे, बट द CFR पेपर में सब प्रॉब्लम क्या था, क्वेश्चन ही इतने बड़े थे कि क्वेश्चन को समझने में ही ज़्यादा टाइम चले जाता था, तो उसको आंसर बनाने में और आंसर को सही आने में भी टाइम लगेगा,
और 3 आवर्स के आई थिंक वो 3 आवर्स का पेपर उन्होंने बहुत रॉन्ग सेट किया था, तो 3 आवर्स में सॉल्व होने वाला नहीं था। हाँ कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट होंगे ऑफकोर्स वो सेट कर सकते, सॉरी सॉल्व कर कर सकते हैं सकते उसका हैं। आंसर्स, बट आई थिंक हम लोग के लिए नहीं हो पाएगा वो सर 3 आवर्स। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आता है कि लाइक हम 8 पेपर को एग्जाम के टाइम में कैसे मैनेज करें, लाइक आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी डेली, किस तरीके से आप रिवाइज करते थे, लाइक आज पेपर दे के आया और कल फिर से पेपर है तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, या 8 से 10 घंटे मान के चलता हूँ मैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिवली आप नहीं पढ़ सकते हो। हाँ बिल्कुल, उसके लिए प्रॉपर मैंने सब कुछ के लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी। ठीक, पहले तो मुझे डर था कि मैंने कोचिंग नहीं लिया तो मेरा होगा कि नहीं। मैंने सोचा कि अब नहीं होगा तो पहले स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, कुछ सीख लूंगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता था कि आज मेरा एग्जाम है तो मैं अभी मेरा 1 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, तो मुझे मेरा टारगेट ये था कि मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाऊँ, 2 बजे तक, 2 बजे से ऊपर नहीं, 2 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊँ। मेरा मतलब उतना दूर भी नहीं था, थोड़ा दूर था, बट मेरा टारगेट था कि मैं 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाऊँ, आधा घंटा मैं खाना खत्म कर लूँ, रेस्ट ले लूँ, और फिर दिन 3 बजे से मेरा स्टार्ट हो जाना चाहिए, 3 बजे से 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक, उससे ज़्यादा। हमें सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ने जरूरत नहीं है, इवन रेस्ट भी बहुत मैटर करता है, या ये तो तीन है घंटे के लिए। या तो मैं जितना पढ़ने पे ध्यान देता था उससे ज़्यादा मैं रेस्ट पे ध्यान देता था। मैं 9 बजे तक पढ़ता था, सुबह 5 बजे, 4:30 या 5 बजे के बीच में उठ जाता था, एंड देन अगेन 7 to 7:30, ओके 7 to 7:30। देन हाँ 7:30 या लास्ट 8। अच्छा हाँ क्योंकि 10 बजे का पेपर था तो पहुंचना भी रहता था ना, तो लास्ट ये तो है। 8 तक मान के चलते, और लास्ट के 1 आवर में मैं एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान देता था। अच्छा तो तो एमसीक्यू एमसीक्यू भी आप स्टडी मैट को ही आपने फॉलो किया, राइट? बिल्कुल सर, मेरा टोटली A to Z मेरा स्टडी मैप। ग्रेट। सो जब आपने बोथ ग्रुप दिया और फाइनली जब आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट का डे आपके लिए कैसा था? मेरा रैंक टारगेट ही नहीं था, मैंने सोच लिया था कि मेरा कोई रैंक आने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स मैं क्लास में मतलब स्कूल या कॉलेज में टॉपर था, बट मतलब ये प्रोफेशनल कोर्स में मैंने सोचा था कि मैं टॉपर नहीं हूँ। इवन मेरे भैया भी बोलते रहते थे कि तू कुआं में कूद रहा है, समुन्दर में जाके देख तब तुझे पता चलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि बस मुझे क्लियर करना है, रैंक वैंक आए वो तो मुझे मैटर नहीं करता। तो जब मुझे पता चला कि मतलब मेरा क्लियर हो गया, आज तक मेरे मार्क्स, मैंने सॉरी रिजल्ट, किसी का भी रिजल्ट, 10th 12th फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल, मैंने खुद से अपना रिजल्ट कभी नहीं देखा, या तो मेरे दोस्त देखते हैं या मेरे भैया देखते हैं। फाइनल का भी रिजल्ट मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि तू तो क्लियर कर लिया दोनों ग्रुप। सुबह सुबह आया था ग्रेट। तो मैं ऑफिस के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा था, तो उसने उसका कॉल आया कि तेरा क्लियर हो गया, क्योंकि उसने भी मेरे साथ ही अटेम्प्ट किया था, उसका भी क्लियर हो गया। अच्छा फिर आपको रैंक हाँ का कब पता चला? तो रैंक का मैंने ऑफिस पहुंचने के बाद, लंच टाइम था तो जस्ट मैंने जस्ट ख्याल है अरे रैंक लिस्ट भी आई होगी, देखते हैं कि कोई हमारे पहचान वाला रैंक में है। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा आया कि नहीं, कोई पहचान में आया कि नहीं, देखते हैं, कॉल करते हैं उसको, कॉन्ग्रेट्स करते हैं। तो मैंने देखा 4th पे मेरा नाम है, पहले तो विश्वास नहीं हुआ मेरा ही नाम है, मेरा ही आईडी है क्या, कि गलत से फोटो डाल दिए। तो चेक किया तो हाँ मेरा ही था। फिर क्या फीलिंग था जब पता चला कि AIR 4 आया आपका? तो लाइक फीलिंग एक अलग लेवल पे चली गई होगी। हाँ खुशी तो बहुत हुई थी, सोचा था कि स्टेटस पे डालो, इंस्टा पे डालो, ये सब पोस्ट करूँ। अब मैंने वो सब मतलब पोस्ट वो सब मैं ज्यादा करता नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहती वो सब। तो ग्रेट एक्चुअली ग्रेट। क्या हुआ, जिसका Air 1 आया ना, वो भी मेरा अरे फ्रेंड था, उसने डाला, तो मैंने सोचा जब वो डाल सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी डालिया। अच्छा, चलो अच्छा है। एंड देन फिर मम्मी पापा की क्या लाइक फीलिंग थी जब उन्हें पता चला कि आपका ऑल इंडिया रैंक 4 आया है, और भैया का क्या एक्सप्रेशन था? नहीं, सब खुश हुए थे सर। सब बहुत खुश थे। तो हाँ मतलब वो क्लियर हो गया तभी उन लोग को मतलब खुशी, साथ में आसमान भी थी, और जब रैंक और रैंक रैंक का तो पता अलग ही चला लेवल तो का। अच्छा आप हाँ बोलो आप। नहीं, तब साथ में आसमान से कोई और ऊंचाई रहती है नहीं सर, तो वहीं पे सीमित थी। ग्रेट। सो आफ्टर दैट ना फिर आपका कैंपस भी था, तो लाइक आपने अपने कैंपस के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया? मेरा ओरिएंटेशन था एक्चुअली 11th से 21st तक हैदराबाद में ही,
और मेरा मैंने दिल्ली के लिए पहले डाला था, मैंने आपको पहले बताया 31st, राइट, हाँ, मेरा 31st से था और मेरा 21 को ये प्री ओरिएंटेशन खत्म हो गया। और मैंने एक्चुअली मेरा ऑफिस भी चालू था राइट, तो मुझे छुट्टी देने वाले थे नहीं क्योंकि तब ऑडिट का पीरियड था। तो मैंने उसी के साथ अपनी प्रिपरेशन की कैंपस कैंपस के लिए मैंने मैंने फिर से वही मैट को मैट का पूरा रिवाइज किया, जो 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 मैंने नोट्स बनाए थे मैंने पूरा रिवाइज किया। बट सब लोग मुझे रेकमेंड कर रहे थे कि वो तेरे तेरा सब्जेक्ट नॉलेज इतना डीप में टेस्ट नहीं करेंगे, बट मैंने सोचा अगर टेस्ट कर लिए तो देन राइट, व्हाट वी कैन डू, देन देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर अस ना। राइट, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट नॉलेज पे भी ब्रशअप किया था। NDS मैंने 2 बार ब्रशअप किया था, कहीं वो पूछ दिए तो कहीं मैं अटक ना जाऊँ। ग्रेट। ऑफकोर्स वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, मेरा A4 आया बट मेरे ऊपर भी 3 रहे ना, तो वो कहीं मुझे कंपटीशन आपका ना दे। मुंबई मुंबई लोकेशन था ना कैंपस का? हाँ मैंने दिल्ली से फिर दिल्ली में मतलब मैंने सोचा, सब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दिल्ली में उतनी PSU आ नहीं रही है, मुंबई में टाटा आ रही है, तो मैंने इसलिए मुंबई चेंज कर दिया। ओके, तो फिर आपका वेदांता में सिलेक्शन हो गया, राइट? सो वेदांता में उन रैंकर्स को क्या पैकेज था? आई थिंक 13 लाख समथिंग था ना कुछ, 13.45 13.45 LPA आपको ऑफर मिला वेदांता से। अच्छा, जब वो ऑफर मिला फिर घर पे आपने बताया तो फिर घर वालों का क्या एक्सप्रेशन था और आपका खुद का कैसा बिलीव था खुद को लेके? था सर। मेरा टारगेट तो टाटा था सर, या ऑनेस्टली राइट, या मेरा टारगेट टाटा था। मैं मुंबई के लिए मुंबई गया था टाटा के लिए कि टाटा में मुझे क्रैक करना है। मैं वेदांता के लिए कोई प्रिपरेशन भी नहीं की थी ओके, टारगेट क्योंकि वेदांता मेरा सेकंड ओपिनियन नहीं था था कि अगर या? मेरा टाटा में नहीं होता है तो मैं वेदांता में जाऊंगा। तो तो आपको टाटा एक्चुअली मेरा आई थिंक पहला पहला इंटरव्यू ही आपका वेदांता में हो गया होगा। मेरा वेदांता का पहला इंटरव्यू था 9 बजे था और टाटा का था 12:30 बजे। तो मेरा वेदांता में उन लोग ने मुझे जबरदस्ती बुला लिया और मेरा वहीं पे मेरा सिलेक्शन हो गया ऑन द स्पॉट। तो फिर मुझे टाटा में देने नहीं दिए। कोई नहीं, लाइफ में फिर से मौका मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं, जिंदगी बहुत अभी बड़ी है, अभी बहुत छोटी नहीं है। यू विल गेट लाइक आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स आपको चांसेस फिर से मिलेगा टाटा में जाने का, और ऑलरेडी आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको टाटा में फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे अगर आप जाना चाहते हो तो। फिर भी बिल्कुल सर। आपको जब ऑफर लेटर मिला तो देन घर पे आपने बताया तो क्या एक्सपेक्टेशन था हम लोगों का? सर बहुत खुश थे, मतलब ऑफकोर्स वो भी हाईएस्ट पैकेज था अभी तक, या तो सब लोग बहुत खुश। आपको, आप क्या किसी को सजेस्ट करोगे कि CMA कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए? मतलब मेरा मेरा एक इस पे पर्सनल व्यू है कि मैंने जब पे प्री ओरिएंटेशन किया था ना, मैं सब सर से यही पूछता था जो भी CMA CA बैकग्राउंड से थे, दोनों जो जिन्होंने दो भी किया, तो मैंने उनसे सबसे यही पूछता था सर मार्केट में ये क्यों बोल रहे हैं कि CMA लेसर देन CA। तो उन्होंने बोला जो बोल रहे हैं उनको पता नहीं है, CMA इज मोर देन ए CA क्योंकि इसका एक रीजन है। उन्होंने मैंने हाँ, रीजन भी पूछा था, आप मतलब बोल रहे हो तो कुछ एविडेंस कुछ प्रूफ बताइए क्यों किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं। या उन्होंने बताया कि CA सिर्फ कंप्लायंस को देखता है, राइट, CA सिर्फ कंप्लायंस को देखता है, CMA भी कंप्लायंस को देखता है, बट CMA कॉस्ट सपोज एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप एक CMA को देखो एक CA को देखो, CA क्या देखेगा? ओनली प्रॉफिट्स और वो कंप्लायंसेस को देखेगा, बट CMA क्या देखेगा? कॉस्टिंग देखेगा, वहाँ पे प्रॉफिट्स देखेगा, मतलब उसको एक 360 डिग्री व्यू मिलेगा उसको एक CMA से, बट राइट, CA सिर्फ 360 डिग्री व्यू नहीं मिलेगा। और जो CMA सिलेबस है वो CMA में भी सिलेबस है, इवन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा वास्ट है CA से ज़्यादा है CMA में। कुछ ग्रेट। कुछ आई थिंक चैप्टर्स भी जो CMA नहीं है जो CMA में भी है, मैंने जो या पढ़ा मैंने उनसे डेफिनेटली जो पूछा उन्होंने ये सब बताया मुझे। राइट, तो अच्छा रहा, इट मीन्स आप सेटिस्फाइड थे अपने डिसीजन लो के। हाँ, एक सेशन मैं आपको दूंगा, लाइक आप जैसे आप CA करना चाहते थे, बट अब मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू कि गो विथ फॉरेन क्वालिफिकेशन। आपके पास ऑलरेडी वो एक डिग्री हो चुकी है इंडियन, अब आप मल्टीपल इंडियन डिग्री लेने से कुछ बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। हाँ, बट अगर आप जैसे CFA कर लेते हो या फिर आप ACCA कर लेते हो या फिर CPA भी करते हो तो आपको बहुत वैल्यू एड ऑन मिलेगा अगर आप टारगेट करते हो MNCs को तो। ग्रेट, नहीं सर, मैंने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। पहले तो मैं वेदांता में ज्वाइन करूंगा, उसके साथ ही उसका उन लोग का टाइम क्या है 9 to 5 है, 9 to 5:30। तो आफ्टर 5:30 मैं USCMA की प्रिपरेशन करूंगा। ओके, पहले 6 मंथ्स में मुझे वो क्रैक करना है, ओके, देन मैं CPA के लिए जाऊंगा।
ओके एंड देन नेक्स्ट। भी बहुत अच्छी प्लानिंग है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टारगेट्स एंड गोल्स। होप सो कि आप बहुत जल्द सारे फ्यूचर गोल्स एंड टारगेट अचीव करो। और जैसे आपने सेम में वन शॉट में क्लियर किया है, आप सेम इसी तरीके से आप जो फॉरेन क्वालिफिकेशन आपने डिसाइड किया है वो सब भी आप अचीव करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स कि आप थैंक मेरे यू सर। प्लेटफॉर्म पे आए और आपने अपनी जर्नी शेयर की हमारे साथ। थैंक यू सर।